गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग जैसा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को देख रहे हैं, जिसमें कि अभी हम लोग इनका टीएनएथ मतलब एनएथ टर्म का हम लोग फार्मूला का ड्राइव भी देखे, उस पर बेस्ट सम्स देखे हैं। आज हम लोग कुछ खास कंसेप्ट या प्रिंसिपल बोलिए पे बेस्ट सम्स देखेंगे, जिसमें आपका सर्टेन टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें दिया रहेगा समेशंस समेशन एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन रहेगा। कहने का मतलब संख्या का योग और संख्या का गुणनफल दिया रहेगा और हमको संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, और हिंट ये रहेगा कि संख्या आईपी में है। तो उस तरह की संख्या में जनरली तीन संख्याओं का योग, चार संख्याओं का योग या पांच संख्याओं का योग तक मैक्सिमम हम लोग के टेक्स्ट बुक में है। छः भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सात भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मगर इसमें हम लोग को एक थिंकिंग इसके पीछे रखना है कि संख्या को इस तरह अरेंज करें कि संख्या का जब समेशन के रूप में लिखे तो एक अननोन नंबर, क्योंकि ए और प्लस ए और डी से संख्या बनता है, फर्स्ट टर्म में प्रत्येक का डी जोड़ते जाएंगे, डी मतलब कॉमन डिफरेंस जिसको सर्वांतर भी बोला जाता है, पहला पद में सर्वांतर जोड़ेंगे दूसरा पद में फिर सर्वांतर जोड़ेंगे तो तीसरा पद, मतलब इस तरह एपी का सीरीज बनता है। तो इसमें दो फैक्टर हैं, पहला पद और डी। तो इस तरह हम इसको सेट करेंगे संख्या को, जिससे कि एक नंबर्स कैंसिल हो जाए, आइदर डी कैंसिल हो जाए आइदर ए कैंसिल हो जाए। एजम्पशन देखिए, तीन संख्याओं का अगर रहे तीन संख्या का समेशन योग और प्रोडक्ट रहे, तो तीन संख्या को इस पैटर्न में हम लोग लेंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, तीन संख्या है। कहने के लिए तो कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, मगर इस पैटर्न में अल्फा अल्फा बीटा या वेरिएबल है, वहां की जगह ए बी आप लिख सकते हैं, तो ए डी ए ए प्लस डी इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं, या अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, इस तीन संख्या रहती है इस पैटर्न में। अब चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं, तो दिए गए संख्या एपी में है कि नहीं उसका चेक करने का तरीका क्या है, क्रमागत दो पदों का अंतर हम लोग चेक करेंगे। हियर ये दोनों पद का मतलब टी टू माइनस टी वन बराबर कितना होगा अल्फा, और ये माइनस में अपना साइन चेंज कर देगा, फाइनली देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा आ गया। फिर अगेन हम लोग चेक कर रहे हैं कि संख्या एपी में है कि नहीं, तो टी थ्री माइनस टी टू करके देखेंगे, टी थ्री आपका है अल्फा प्लस बीटा और टी टू है अल्फा, देखिए फिर अगेन अल्फा अल्फा कैंसिल बीटा, मतलब दोनों जगह का डिफरेंस सेम है। इट मींस संख्या गिवन नंबर्स जो हम लोग लिए हैं, अरेंजमेंट जो लिए हैं एपी में है, तीन संख्या रहे तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा इस सीक्वेंस से लेंगे, तो आपका जो गिवन क्वेश्चन रहेगा जिसमें तीन संख्याओं का योग और गुणनफल दिया रहे और संख्या ज्ञात करने बोले, इसी तरह का चार संख्या और चार संख्याओं का योग और गुणनफल दिया रहेगा और संख्या ज्ञात करने बोलेगा, तो चार संख्याओं को हम लोग इस पैटर्न पर लेंगे। चार संख्या का क्वेश्चन रहे तो किस पैटर्न पर लेंगे, फोर नंबर्स रहे तो अल्फा माइनस थ्री बीटा अल्फा प्लस बीटा, अगेन अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस थ्री बीटा। आप चेक कीजिएगा कंजिक्यूटिव डिफरेंसेज नंबर्स का सेम मिलेगा, इसका मतलब ये एपी में भी रहेगा, और इस तरह में अगर आप सबको जोड़िएगा तो देखिएगा फाइनली थ्री बीटा कैंसिल हो रहा है, अगेन यहाँ बीटा बीटा कैंसिल हो रहा है, तो फोर अल्फा के पैटर्न पे आ जाएगा, एक वेरिएबल जैसे कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे अननोन नंबर निकालना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार चार संख्या के बाद पांच संख्या दिया रहे, पांच संख्या तो उस समय हम लोग इस पैटर्न पर लेंगे, अल्फा माइनस टू बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस टू बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस टू बीटा। देखिएगा ये पांच संख्या है, अब पांचों को आप चेक करके देख लीजिएगा। चेक कैसे करेंगे, टी टू माइनस टी वन करेंगे, सेम वे में टी थ्री माइनस टी टू करेंगे, मतलब लगातार दो संख्या का अंतर, टी फोर माइनस टी थ्री करेंगे, टी फाइव माइनस टी फोर करेंगे, हर जगह आपको जो नंबर आएगा वो कॉन्स्टेंट आएगा, मतलब सेम आएगा, तो इसका मतलब क्या है, लगातार दो पदों का अंतर बराबर है, इसका मतलब जो संख्या हम लोग लिए हैं इस वो एपी में है। इस पैटर्न पर लेने का फायदा क्या है, आप जैसे जोग दिया रहता है गुणनफल दिया रहता है संख्या का, और हम लोगों से पूछा जाता है कि संख्या निकाले, तो जैसे जोग के पैटर्न पर आप लिखिएगा, तो देखिए माइनस टू बीटा प्लस टू बीटा कैंसिल हो गया, माइनस बीटा
प्लस बीटा कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया आपका, 5 अल्फा बच जाएगा इसका जोक से, अल्फा आसानी से निकलेगा, फिर रिमेनिंग संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो 3 संख्या में अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, इस पैटर्न पर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप अल्फा ही लिखे, इसके जगह आप लिख सकते हैं ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ये भी आप चेक कीजिएगा, एपी में रहेगा तीनों को अगर जो कीजिएगा तो डी डी कैंसिल, 3A आ जाएगा। तो इस पैटर्न पर भी ले सकते हैं, इस पैटर्न पर भी, मगर इस सीक्वेंस में लेने में आपका फायदा क्या है कि आपका एक नंबर कैंसिल होगा, समेशन का इक्वेशन जैसे पुट करेंगे कि समेशन फलना दिया हुआ है, जितना भी नंबर गिवन रहेगा उससे आपका एक नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो एक नंबर निकालना आसान होगा, इससे हम लोग संख्या को ज्ञात कर पाएंगे। आइए सारे कंसेप्ट को 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या पर आधारित कुछ सम्स को हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारा इस पर आधारित पैटर्न पर आधारित कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपके टेक्स्ट बुक से हम क्वेश्चन लेंगे, ये पैटर्न पर संख्या लेना, पर आपका संख्या आसानी से निकलेगा, अदरवाइज जो ये सम्स है वो डिफिकल्ट बन जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसको हम लोग लेते हैं क्वेश्चन 20, व्हाट इज गिवन सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज माइनस 24। 3 संख्या का जोक दिया गया है 24 है, और देयर प्रोडक्ट मतलब उनका गुना भी दिया हुआ है, आपका प्रोडक्ट इज 288। फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात करना है, फाइंड द नंबर्स। इस तरह के पैटर्न में हम लोग उसी अरेंजमेंट में लेंगे संख्या को, किस अरेंजमेंट में लेंगे आइए देखते हैं। लेट माना कि संख्या कितना, लेट द नंबर्स बी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। इस पैटर्न पर लेने में हमको फायदा क्या होगा, जब समेशन के रूप में लिखेंगे तो देखिएगा बीटा कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब प्रश्न से, अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रश्न से क्या है, सम ऑफ 3 नंबर इज माइनस 24, मतलब तीनों संख्या अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन 1 मानेंगे इसको। पुनः प्रश्न से, अगेन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पुनः देयर प्रोडक्ट मतलब तीनों का गुना, अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 288, इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, आसानी से हम लोग नंबर को पा सकते हैं। आइए पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लिखते हैं क्या है, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 24। आप देखिएगा कि बीटा बीटा कैंसिल हो रहा है एक प्लस में एक माइनस में, तो हमारे पास एनएचएस में क्या बचा, 3 अल्फा बच रहा है बराबर माइनस 24, इसलिए अल्फा इक्वल टू माइनस 24 डिवाइड बाई 3 कैंसिल होके माइनस 8 आ जाएगा, आपका माइनस 8 आ गया। अब समीकरण 2 को हम लोग हल करेंगे, समीकरण 2 में क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इक्वल टू 288। ये अल्फा को हम लोग लास्ट में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, गुना का सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखने का कारण था ए प्लस बी ए माइनस बी का रूप ले लिया ही, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बाहर में अल्फा है बराबर 288। किस इक्वेशन का यूज किए हैं, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए की जगह अल्फा है और बी की जगह बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या है, अल्फा का वैल्यू लोग पुट करेंगे, अल्फा का वैल्यू माइनस 8 है, तो माइनस 8 बाहर में हो गया, अंदर में माइनस 8 का स्क्वायर होगा ये, और माइनस बीटा स्क्वायर होगा बराबर 288, अल्फा का मान रखने पर ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का मान रखने पर ब्रैकेट में लिख देंगे, अल्फा का मान पुट किए हैं। अब आगे क्या है, अब सिंप्लीफाई करना है, माइनस 8 है अंदर में आपका क्या आ गया, माइनस 8, माइनस 8 का भी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, तो इसको हम लोग 64 लिखेंगे, आई माइनस बीटा स्क्वायर बचा बराबर 288। सिंप्लीफाई करना है जस्ट,
अब माइनस एट से दोनों में हम लोग गुणा करेंगे तो सबसे पहले 64 में मल्टीप्लाई होगा, अच्छा 48 और 3, ये माइनस में आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 बीटा स्क्वायर बराबर 288। अब एक तरफ बीटा को इधर ही रह देते हैं, माइनस वाला पार्ट उधर भेज देंगे हम लोग, तो 8 बीटा स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 288 प्लस 512। नाउ 8 बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका दोनों का जोड़ 10, 10 के हाथ में 1, 800। अब इस पार्ट को हम लोग यहां ले आते हैं ऊपर में, देखिए क्या बचा, 8 बीटा स्क्वायर बराबर 800, इसलिए बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 800 डिवाइड बाय 8, 100 आके, सो दैट बीटा इक्वल टू 100 का रूट निकल जाएगा, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 10, बीटा का दो वैल्यू हो गया प्लस 10 और माइनस 10। अब हम लोग को दोनों चीज नोन हो गया, अल्फा का वैल्यू भी बीटा का वैल्यू भी। अब अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग जो संख्या का एजम्पशन था उसमें पुट करेंगे तो हमारा नंबर्स आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं ना। अब चूंकि प्लस और माइनस दोनों है तो दोनों को एक एक करके हम लोग लेंगे, व्हेन जब बीटा इक्वल टू प्लस 10 हो, अब संख्या कैसे निकलेगा, संख्या देखिए कैसे निकलेगा, संख्या कैसे हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का वैल्यू तो माइनस 8 है, माइनस 8 और इसको 10 माने हैं तो 10 पहला संख्या ही हो गया, दूसरा संख्या क्या है अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू माइनस 8 ही होगा, तीसरा संख्या है अल्फा प्लस बीटा तो माइनस 8 अल्फा माइनस बीटा, ये माइनस होगा यहाँ पर और यहाँ पर प्लस 10 संख्या हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 18 माइनस 8 और 2। चेक करके देखिएगा तो ये निश्चित रूप से एपी में होगा, दोनों का डिफरेंस निकालिए तो आसानी से आपका एपी में दिखेगा, माइनस 8 में माइनस 18 जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 10 आएगा, माइनस में ये दोनों का अंतर भी माइनस 10 आएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट संख्या जब एक और निकलेगा, जब बीटा इक्वल टू माइनस 10 लेते हैं तो 10 हो तो संख्या कैसे निकलेगा, अब बीटा का वैल्यू हम माइनस 10 पुट करेंगे, संख्या क्या था पहला अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू तो माइनस 8 है, अब बीटा भी माइनस 10 हो गया तो माइनस 10 आएगा, देखिएगा क्योंकि माइनस है और खुद माइनस है तो चार्ज आपस में मल्टीप्लाई होकर लास्ट में प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम इसको हम ब्रैकेट में लिख दिए, पहला संख्या ये हो गया, दूसरा संख्या आपका अल्फा है तो माइनस 8 ही रहेगा, तीसरा संख्या है अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस 8 और माइनस 10, ये तीसरा संख्या हो गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस माइनस चार्ज मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 10 माइनस 8 तो ये 2 हो गया, माइनस 8 हो गया दूसरा संख्या, तीसरा संख्या दोनों माइनस में है तो ऐड कर लेंगे उसको तो माइनस 18 हो गया, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में अंतर क्या है, उसका थर्ड इसका फर्स्ट होगा, दोनों में सेकंड कॉमन, इसका फर्स्ट इसका थर्ड, कारण क्या है बीटा का वैल्यू प्लस माइनस 10 आया है, तो ये दोनों संख्या हो गया, आंसर ये भी है आपका और आंसर ये भी है। इसी पैटर्न में आपका तीन संख्या का पैटर्न हम लोग देखे, चार संख्या का भी समेशन और प्रोडक्ट होगा, तो सेम वे में उसी तरह एजम्पशन करके हम लोग बनाएंगे संख्या को, और संख्या का एजम्पशन के पीछे हम लोग का मोटिव क्या रहेगा इस पैटर्न में लेंगे कि समेशन के रूप में जैसे लिखेंगे एक संख्या प्लस माइनस में चार्ज उसका कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह का सम्स आप लोग करेंगे। थैंक यू।